بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں آپ کے ساتھ یہ بہت آسان اور بہت خوبصورت نیٹنگ ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ آپ آل پروجیکٹ پہ بنا سکتے ہیں، جیسے لیڈیز سویٹرز، جینٹس سویٹرز، بچوں کی سویٹرز، لیڈیز کارڈیگان، گرلس فراک، مفلر، شال، ٹوپی، بیبی بلینکٹ. آل پروجیکٹ پہ بنائے ہیں. یہ ڈیزائن بن کے بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ اس ڈیزائن کی فرنٹ سائڈ ہے اور بیک سائڈ سے یہ اس طرح نظر آتا ہے. اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے 8 کے ملٹیپل میں خانے لیے جاتے ہیں اور 2 خانے ایکسٹرا لیے جاتے ہیں جو کہ ایز اسٹچ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अब देखें 2 4 6 8 10 12 14 और 16. 8 के मल्टीपल से ये 16 खाने आ गए और 2 खाने एक्स्ट्रा. इस तरह अभी ये पैटर्न बनाने के लिए मैंने 18 खाने लिए एक्स्ट्रा. हम इस तरह गिरा लगा के काट लेंगे. फ्रंट साइड है और इस डिज़ाइन की फास्ट रो है. पहला खाना एज स्टिच है, स्लिप करें या बुन लें. और ये फ्रंट साइड से फर्स्ट रो सारी सीधी बना लेंगे. फर्स्ट रो सारी सीधी बना के मुकम्मल कर लेंगे. सेकंड रो बैक साइड. पहला खाना एज स्टिच है, स्लिप करें या बुन लें. और बैक साइड से ये रो सेकंड सारी उल्टी बना के मुकम्मल कर लेंगे. थर्ड रो फ्रंट साइड. पहला खाना एज स्टिच है, स्लिप करेंगे. और ये रो थर्ड फ्रंट साइड से सारी सीधी बना लेंगे. रो फोर बैक साइड. पहला खाना स्टिच है, स्लिप करेंगे. और बैक साइड से रो फोर सारी उल्टी बना लेंगे. ये सारी सिलाई उल्टी बना के मुकम्मल कर लेंगे. रो फाइव फ्रंट साइड. पहला खाना एज स्टिच है, स्लिप करेंगे. और फ्रंट साइड से रो फाइव सारी सीधी बना लेंगे. रो फाइव सारी सीधी बना के मुकम्मल कर लेंगे. रो सिक्स बैक साइड. पहला खाना एज स्टिच है, स्लिप कर लें या बुन लें. और ये सारे खाने हमने 2 बार ऊन लपेट के उल्टे बनाने. देखें इस तरह 1 और 2 1 और 2. देखें 1 और ये इस तरह 2 बार ऊन लपेट के ये सारे खाने उल्टे बनाने. देखें इस तरह. दो बार ऊन लपेट के सारे खाने उल्टे बुन लेने. लास्ट वाला एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे. रो सेवन फ्रंट साइड. पहला खाना एज स्टिच है, स्लिप करेंगे. और ये 4 खाने इस तरह खोल लेंगे, सिलाई पे कर लेंगे. इस तरह
सीधे हाथ की सिलाई पे कर लेंगे खोल के इस तरह। अब इनको वापस करेंगे इस सिलाई पे और ट्विस्ट करेंगे इनको, दो पीछे वाले खाने आगे लाने, आगे वाले पीछे लेके जाने इस तरह। अब ये चार खाने सीधे बुन लेने। अब फिर चार खाने खोलेंगे, एक दो तीन और चार, इनको वापस सिलाई पे करेंगे। अब फिर इनको ट्विस्ट करना है, दो आगे वाले खाने पीछे लेके जाने, पीछे वाले आगे लाने इस तरह। बैक साइड से सिलाई डालनी है और ये खाने उतार के ऐसे पीछे कर लेने, पीछे वाले आगे कर लेने, फिर इनको सीधा बना लेना है। ये देखें आठ खानों का डिज़ाइन है। ये चार खाने पहले खोले, इनको ट्विस्ट किया, फिर चार खाने खोले, इनको ट्विस्ट किया, यही आठ खाने बार बार रिपीट होंगे। अब देखें ये रिपीट पैटर्न है, ये एक दो तीन और चार, चार खाने खोल लिए। अब इनको वापस इस सिलाई पे करना है और अब ये ट्विस्ट करने, पीछे वाले खाने आगे लाने, आगे वाले पीछे लेके जाने इस तरह। आगे से सिलाई डालनी है और ये दो खाने उतार के पीछे कर लेने, पीछे वाले ने आगे ले आने। अब इन चार खानों को इस तरह सीधा बुन लेना है, दो तीन और ये चार। अब फिर ये चार खाने खोल लें, एक दो तीन और चार। अब वापस सिलाई पे करना है, अब फिर इनको ट्विस्ट करना है, पीछे वाले खाने आगे लाने, आगे वाले पीछे लेके जाने इस तरह। अब इन चार खानों को सीधा बुन लेना। ओके, एस स्टिच को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक दो डिज़ाइन बन गए। लास्ट वाला एस स्टिच है, इसको सीधा बना लें। रो एट है, बैक साइड है, पहला खाना ए स्टिच है, स्लिप करेंगे और बैक साइड से ये रो एट सारी उल्टी बना लेंगे। रो नाइन फ्रंट साइड, पहला खाना ए स्टिच है, स्लिप करेंगे और ये रो नाइन फ्रंट साइड से सारी सीधी बना लेंगे। रो टेन बैक साइड, पहला खाना एस स्टिच है, स्लिप करेंगे। अब देखें अब सारे खाने उल्टे बनाने हैं, दो दफ़ा इस तरह ऊन लपेट के। सारे खाने उल्टे बनाने इस तरह, दो दफ़ा ऊन लपेटने। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाएंगे। लास्ट वाला स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेना। फ्रंट साइड रो 11, पहला खाना एस स्टिच है, स्लिप करेंगे। अब देखें फिर हम चार खाने इस तरह खोलेंगे, पहले हमने इस तरह ट्विस्ट किया था खाने को, इस तरह ये डिब्बी खोली थी हमने, इस तरह डिज़ाइन है। अब हमने बंद करना है, अब इस तरह करना है, इस तरह लेके आना है। अब देखें ये वापस करेंगे इस तरह, अब ये बैक से सिलाई डालेंगे, पीछे वाले खाने आगे और आगे वाले पीछे लेके जाएंगे इस तरह। ये देखिए अब ये दो खाने सीधे बुन लेंगे।
चार खाने सीधे बनाएंगे। ये देखिए आप फिर ये चार खाने खोल लें। अब ये दो खाने आगे लाने, आगे वाले पीछे लाने। अब इनको इस तरफ ट्विस्ट करना है हमें। ये देखिए आगे से सिलाई डालेंगे और ये दो खाने पीछे ले जाएंगे, पीछे वाले आगे ले आएंगे। अब ये चारों खाने सीधे बना लेंगे। ये देखें ये आठ खानों का डिज़ाइन है, ये आठ खाने बन गए। इस तरह ये हमारा डिज़ाइन बना है। ये पहले डब्बी ऐसे खोल लिया हमने, फिर इसको यहाँ पे बंद किया है। इस तरह ये डिज़ाइन बन गए। अब देखें यहाँ से रिपीट पैटर्न है। ये चार खाने खोलेंगे, अब ये पीछे वाले खाने इस वाइप पे करना है, सॉरी ये इधर ही रखने, ये आगे लाने और आगे वाले दो खाने पीछे ले जाने। अब ये चार खाने सीधे बना लें। फिर ये हमने चार खाने खोल लेने, फिर वापस सिलाई पे करना है। अब ये दो खाने आगे लाने, आगे वाले दो पीछे, इस तरह इनको ट्विस्ट करना है। आगे से इस तरह सिलाई डालनी है और ये दो खाने पीछे कर लिए, पीछे वाले दो खाने आगे कर लिए। अब ये चार खाने हमने सीधे बना लेने, एक दो तीन और ये चार। अब देखें ए स्टिच को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक दो डिज़ाइन बन गए। लास्ट वाला ए स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। रोट वेल्व है, बैक साइड है, पहला खाना ए स्टिच है, स्लिप करेंगे और ये रोट वेल्व बैक साइड से सारी उल्टी बना के मुकम्मल कर लेंगे। अब देखें 12 सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं और ये डिज़ाइन बन गया है। बहुत खूबसूरत और बहुत आसान डिज़ाइन है। यही 12 सिलाइयाँ जब बार बार रिपीट होती हैं तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। ये देखें आप इसको ऑल प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं।